आज हम सासाराम आए हुए हैं। सासाराम में हम आपको शेरशाह सूरी का किला दिखाएंगे। शेरशाह सूरी का किला आपको उधर दिख रहा होगा, ये स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रिक्शा करके भी आ सकते हैं या पैदल चल के भी आ सकते हैं, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो ये सामने में आपको दिखाई दे रहा होगा शेरशाह सूरी का किला। हम अंदर जाएंगे और अच्छी तरह से उसके बारे में देखेंगे कैसा क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से पानी है, ये पानी से घिरा हुआ है। ये किला काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो ये चारों तरफ तालाब है एक, और शेरशाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इतिहास में। शेरशाह सूरी जो मतलब बिहार के सासाराम के जिले में थे, और उन्होंने ग्रैंटिंग रोड बनवाया था, उन्होंने ग्रैंटिंग रोड बनवाया था ना। हाँ जी। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में आप कुछ बताएंगे। शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक था जो अपने मरने से पहले अपना कब्र बनवा दिया था। अच्छा, मतलब यहाँ पर उनकी कब्र है। हाँ, ये जो दिख रहा है ना। हाँ हाँ, वो उन्हीं का कब्र का किला। ये जो दिख रहा है मकबरा है उनकी ना। हाँ हाँ, तो चलिए फिर हम अंदर से घुस के देखते हैं। ये इसका टिकट घर है, इसमें प्रवेश करने का टिकट लगता है। अभी देखते हैं कितना टिकट का रेट है, क्या रेट है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इंडियन यानी कि भारतीयों के लिए 25 रुपया है, और फॉरेनर के लिए, विदेशियों के लिए 300 रुपया टिकट का रेट। चलिए टिकट लेते हैं फिर घुसते हैं। ये पहला मुकबरा का पहला द्वार है, ये यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। ये देख सकते हैं आप मुकबरा का, यहाँ से हम प्रवेश करते हैं सभी लोग। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ तालाब है, इसके चारों तरफ पानी है, और पानी के बीच में ये बनाया गया है। काफी खूबसूरत है और काफी मजबूत दिख रहा है, ये सैकड़ों साल पुराना है। यह रौजा 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले विशाल तालाब के बीचों बीच है। इस तालाब की लंबाई 1130 फीट है तथा चौड़ाई 865 फीट है। ये आप देख सकते हैं सामने में, ये मकबरा है, इसको मकबरा कहते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा। काफी विशाल दिख रहा है और काफी पुराना है, ये सैकड़ों साल पुराना है, फिर भी अभी देखो कितनी मजबूती से टिका हुआ है। ये काफी देखने लायक जगह है, काफी इंटरेस्टिंग जगह है। चलिए फिर हम चलते हैं, आते हैं, आइए। मकबरे तक जाने के लिए तालाब के उत्तर में स्थित शेरशाह के दरबान के छोटे गुंबद आकर मकबरे से होकर गुजरना पड़ता है। विशालता के साथ तीनों मंजिलों पर बने बुर्ज इस भव्यता में 4 चांद लगाकर पठान वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना पेश करते हैं। इसी कारण कनिंघम ने दबी जबान से इसे ताजमहल से भी सुंदर माना है। यह मकबरा बहुत ही पुराना है, लगभग 700 साल पुराना है। इस मकबरे को बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी के याद में बनाया गया था, जिसने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। 13 मई 1945 ईस्वी को कलिंजर के किले में एक आकस्मिक गन पाउडर विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई थी। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था और 1940 और 1945 के बीच इसे बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, काफ़ी पुरानी हो गई है, फिर भी इतनी पुराने होने के बावजूद भी ये कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, तो सचमुच ये कोई आश्चर्यजनक चीज़ से कम नहीं है। और लोग मानते भी हैं कि ताजमहल के बाद इंडिया में यानी कि भारत में ये भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है। आप देख सकते हैं इन तालाबों को चारों तरफ से घिरा हुआ है ये मकबरा तालाब से। ये तालाब की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता ही दी।
ये मकबरा, इस मकबरे की एक गुंबज की जो ऊंचाई है 122 फीट है, जो एक कृत्रिम झील के बीच में खड़ा है और लगभग वर्गाकार है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी माना जाता है। मुख्य मकबरा अष्टकोणीय योजना पर बनाया गया है, जिसके ऊपर एक गुंबज है। मकबरा शेर शाह के जीवन काल के साथ साथ उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। शेर शाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1945 को इसका निर्माण हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये कब्र है शेरशाह सूरी की, और इनके चारों तरफ आजू बाजू शायद इनके परिजन के कब्र रहे होंगे। बीच में जहाँ पे चादर ओढ़ाया हुआ है हरा हरा, आप देख सकते हैं ये कब्र है शेरशाह सूरी की। आप देख सकते हैं चारों तरफ काशीदाकारी की हुई है इस गुंबज पर, कहीं कहीं से काशीदाकारी छूट कर गिर रही है दीवारों से। आप देख सकते हैं ये गुंबज है, ये बेहद विशाल गुंबज है और बिना सपोर्ट के है, और इसे बहुत ही मीन्स इसका इंजीनियरिंग काबिले तारीफ है। बिना सपोर्ट के इतना विशाल गुंबज बनाना कोई आसान बात नहीं है।